हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके जितेंद्र चौहान में। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है, उसमें हम डायरेक्टर की या किसी प्रोफेशनल की हम उसकी लॉगिन आईडी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि तो लॉगिन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगिन आईडी के बाद ही हम एमसी पोर्टल पर डायरेक्टर के साइन को भी हम एसोसिएट कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे हम जब हमें डायरेक्टर की लॉगिन आईडी या यूजर आईडी या पासवर्ड बनाना रहेगा। सबसे पहले आपके पास डायरेक्टर का आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और उसका एड्रेस होना जरूरी है आपके पास। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सबसे पहले एमसीए पोर्टल पर। आपको गूगल क्रोम पर डालना है एमसीए पोर्टल। जैसे ही आप एमसी पोर्टल पर क्लिक करेंगे, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देगा साइन इन, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। और जो हम ये लॉगिन आईडी बना रहे हैं, ये हम B3 पोर्टल पर बनाना सीख रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा भी है, यदि यू आर डायरेक्टर एंड डेजिग्नेट पार्टनर तो प्लीज रजिस्टर्ड एज ए बिजनेस यूजर यूजिंग द यूर डिन एंड पिन। सिग्नेटरी एंड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हु विल बी साइनिंग फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देयर DSC देयर बिजनेस यूजर्स ऑल। तो आपको अगर इस पर साइन करना है, तो आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी बनाना रहेगी। उसके लिए आपको देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही आराम से बताऊंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट में अपना जो DSC होता है उसको कैसे सेट करते हैं। तो देखिए, आपको हमको दो चीज़ दिखाई देगी, एक देगा हमको रजिस्टर्ड यूजर और हम एक देगा हमको बिजनेस यूजर। लेकिन हमको एज ए बिजनेस यूजर हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले आपको बिजनेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर रोल, अब देखो रोल में आप क्या हैं, आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, तो आपको डायरेक्टर करना है। अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो आप प्रोफेशनल क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो रजिस्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम डायरेक्टर या डेजिग्नेट पार्टनर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको फिर यहाँ पर आपको अपना जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर का आपको पिन नंबर इंटर करना पड़ेगा। चलिए हम अपना उसका पिन नंबर इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो डायरेक्टर का डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको डालना पड़ेगा। चलिए हम डाल देते हैं नहीं। उसके आगे फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो नाम मिडिल नेम बीच में दिया है और लास्ट नेम, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लिखा भी है, नेम इंटर शुड बी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो आपका नाम होना चाहिए वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आपका पैन कार्ड में है वही होना चाहिए। चलिए अपन टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिडिल नेम अगर कोई हो तो आप डालिए, नहीं तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट नेम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको डायरेक्ट यहाँ सेलेक्ट करनी है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ईयर पर क्लिक करना है। ईयर पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपका ईयर है वो सेलेक्ट करना है। चलिए मेरे केस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। चलिए मैं, और फिर उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके यहाँ मेल, जेंडर मेल या फीमेल, वो आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम, जो आपका एड्रेस है वो डालना है। एज पर आधार आप डालना है आपको ये विलेज, उसके एंट्री। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट जो आपकी सिटी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे ही आप इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। कंफर्म पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हिंट क्वेश्चन में आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बर्थ जहाँ पर आपका जन्म हुआ वो आप कर सकते हैं। अगर आपको SMS फैसिलिटी चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार, और अब जैसे आप क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपको OTP जाएगा, OTP एक आपके मोबाइल पर जाएगा, आप एक और आपके ईमेल ID पर जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जैसे आप अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हम अपने DSA को कैसे सेट करें। हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।